प्रदेश सरकार के मंत्री विजय कश्यप का कोरोना से निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख। कर्नाटक के गांव में आइसोलेशन सेंटर बनेंगे, घर में नहीं रहेंगे मरीज। पीएम मोदी आज जाएंगे गुजरात और दीव, तावते तूफान से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। लगातार तीसरे दिन संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख से कम, 3,912 लोगों ने गवाई जान। डॉक्टरों ने कहा दूसरी डोज के लिए चिंतित ना हो, 16 हफ्तों का अंतराल शरीर के लिए अच्छा। कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को 50,000 की मदद देगी केजरीवाल सरकार। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ बगावत, दो घड़े में बटी कांग्रेस। राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी, रिलीफ फंड में दिया दान। पत्नी की मौत के 1 घंटे बाद ही पति ने गम में तोड़ा दम, एक ही अर्थी पर विदाई। असम में कोरोना से बिगड़े हालात, सीएम हेमंत की अपील, रिलीफ फंड में दे दान। लखनऊ में कोरोना मरीजों से वसूलते थे ज्यादा पैसे, एक दिन का बिल 1.5 लाख से ऊपर, 3 अस्पतालों पर FIR। रूस और चीन की नजदीकियां, दोनों देश आज अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना की करेंगे शुरुआत। अमेरिका में कमला हैरिस की आय बढ़ी, राष्ट्रपति बाइडेन दंपति ने भरा रिटर्न। इसराइल हमास युद्ध विराम की अपील के बाद भी गाजा में आतंकी ठिकानों पर भीषण हमले। चीन सबसे बड़ा बैड बैंक हुआ रोंग, वित्तीय सुधार कर बीजिंग की नीतियों पर खरा उतरेगा। कराची पाकिस्तान में भी तावते का असर, आंधी से 4 लोगों की मौत। दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र और नेपाल में आए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर रही तीव्रता। बाइक में बिना हेलमेट जा रहे DIO को पुलिस ने रोका, परिचय देने के बाद भी मारी लाठी। सुपौल में मामूली विवाद को लेकर एसिड से किया हमला, एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे। बिहार में 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 111 संक्रमितों की मौत, 6,286 नए पॉजिटिव केस मिले। बिहार में हवानियत, शिक्षक ने छात्र के प्राइवेट पार्ट को गर्म आयरन से दागा, धमकी दी किसी को बताया तो नाम काट देंगे। बिहार में कोरोना से अब तक 118 डॉक्टरों की मौत, मुआवजा मिलने में हो रही देरी, 50 लाख रुपए है बीमा की राशि। बिहार और उत्तर प्रदेश में इस वजह से फैल रहा कोरोना, देश के 81% गाँव में डॉक्टर ही नहीं। बिहार में प्राइवेट अस्पतालों पर नहीं लग रहा लगाम, 500 की दवा मरीज को 4500 में दी, बेड का भी ज्यादा चार्ज लिया, FIR दर्ज। और अब अंतिम खबर, बिहार के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात कुमार की कोरोना से निधन, हैदराबाद में ली अंतिम सांस, सीएम नीतीश कुमार ने जताया शोक।